नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया गया तथा उसकी चौड़ाई को 10% घटाया गया, नए आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। यानी कि हम देखें तो वह एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या, एक वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो आपको ऐसे प्रश्नों को लगाना जरूर सीखना है। अब जब ऐसे प्रश्न हो कि कोई दो चीज़ों की बात करे, एक को घटाए दूसरे को बढ़ाए, या दूसरे को घटाए पहले को बढ़ाए, या दोनों को बढ़ाए या दोनों को घटाए, ठीक है, तो ऐसे चीज़ों के लिए एक फॉर्मूला होता है R1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, ±R1 ± R2 ± R1 × R2/100। ठीक है, तो जे वाला यहाँ पर फॉर्मूला लगता है, ±R1 ± R2 ± R1 × R2/100। ठीक है, अब यहाँ R1 क्या है, R1 और R2 दो चीजों को आपको समझना पड़ेगा। R1 में क्या कहा उसने, किसी एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया गया। तो जब कोई चीज बढ़ाई जाएगी तो हम यहाँ प्लस लगाएंगे। ठीक है, अब फिर उसकी चौड़ाई को 10% घटाया गया, जब घटाई जाएगी तो हम माइनस लगाएंगे। इतना बस आपको याद रखना है। अब R1, ठीक है, R1 को क्या किया उसने, यहाँ पर प्लस किया तो हम प्लस का 10 लिख लेंगे, R2 माइनस का 10 है। अब यहाँ प्लस माइनस, माइनस और प्लस का जब गुणा होता है तो माइनस ही आता है, 10 × 10/100। अब यहाँ प्लस और माइनस का 10 है, दोनों कट जाएंगे, और यहाँ भी 0 से 0, 0 से 0, यहाँ बचेगा माइनस का 1। ठीक है, अब माइनस में बचा और 1 बचा, तो क्या होगा, जो उस आयत का क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल 1% क्या होगा, घट जाएगा। तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं कि जो क्षेत्रफल होगा उसमें 1% घट जाएगा, या 1% की कमी हो जाएगी। बस इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। तो जो हमने यहाँ पर आपको यह सूत्र बताया है इसको आपको याद रखना है। बस यहाँ पर दो चीजें होंगी, किसी भी चीज में बढ़ोतरी हो सकती है, एक चीज घटेगी, या ये दोनों चीजें बढ़ेगी या दोनों चीजें घटेगी, या एक चीज बढ़ेगी दूसरी घटेगी, या दूसरी बढ़ेगी पहली घटेगी, इतनी सब कंडीशन होगी तो यही फॉर्मूला आएगा, और उसके जो परिणामी में अंतर होगा वो यहाँ से हमें मालूम चलेगा। यहाँ प्लस में आएगा तो वो चीज बढ़ेगी, और माइनस में आया तो वो चीज घटेगी। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।